हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और जहाँ पे भी हैं अच्छा कर रहे होंगे। डिस्काउंट में हमने क्या पढ़ लिया था अभी तक? दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक तो सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट पढ़ा था। सबसे पहले हमने MRP अंकित मूल्य और दूसरी चीज़ आपका ये ST सेलिंग प्राइस के बीच का संबंध देखा था हमने। फिर उसके बाद में हमने दूसरी चीज़ देखी क्रमागत डिस्काउंट सक्सेसिव परसेंटेज। आज हम आ गए हैं कॉस्ट प्राइस और MRP क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार सवाल बन चुका है, तो पहले इसका एक रिलेशन मैं आपको पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे। देखो, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। जानते हैं स्टार्टिंग में लाभ और हानि में हमने पढ़ा था कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। एक फॉर्मूला होता है इसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का संबंध आते हैं। ऐसे ही फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट प्रतिशत बटे 100। ये भी एक सूत्र पढ़ा था हमने, हाँ या ना? देखो, सबसे पहले क्या पढ़ा था? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रिलेशन, और ये अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रिलेशन, ये तो अभी हमने हाल फिलहाल में पढ़ा। देखो, दोनों विक्रय मूल्य के बराबर है और दोनों विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या मैं इसको और इसको बराबर रख सकता हूँ? मैं क्या मैं इस वाली चीज़ को और इस वाली चीज़ को बराबर रख सकता हूँ? तो मैं इन दोनों चीज़ों को बराबर रखूँगा, तो देखो क्या बनेगा, CP × 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 बराबर MRP गुणा 100 माइनस छूट प्रतिशत बटे 100। 100 कट गया, और 100 अगर कट गया और यहाँ से अगर अंकित मूल्य को उसके नीचे ले आऊँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं? CP बटा MRP अंकित मूल्य, ये इसके नीचे ले आया और ये उधर ले जाए, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इधर, तो ये क्या बन जाएगा? 100 माइनस छूट प्रतिशत बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये एक सीधा संबंध हो गया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच, जब हमें किसी सवाल में छूट प्रतिशत दे रखा हो और लाभ प्रतिशत दे रखा हो। तो क्रय मूल्य को क्या लिखोगे? 100 माइनस छूट प्रतिशत को क्रय मूल्य बन जाएगा, और 100 प्लस लाभ प्रतिशत आपका क्या बन जाएगा? अंकित मूल्य। की डायरेक्ट आप रिलेशन यूज करेंगे, हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस चीज को यूज करने वाले हैं। क्या बोला मैंने, हमने किसके बीच का संबंध पढ़ा? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का संबंध पढ़ा, और विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का संबंध पढ़ा। तो अब हम डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे हैं, देखिए MRP अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का संबंध किसकी वजह से होता है? छूट प्रतिशत की वजह से होता है, और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का संबंध किसकी वजह से होता है? लाभ या हानि की वजह से होता है। तो इन दोनों का डायरेक्टली एक रिलेशन हमने इस जगह से, ये दोनों विक्रय मूल्य बराबर हो गया, तो इन दोनों बराबर करके हमने निकाल दिया कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है? 100 माइनस छूट प्रतिशत, और अंकित मूल्य क्या होता है? 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये सीधा हम लोग ने निकाल लिया, और इस रिजल्ट को आए और यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत मजा आएगा मुझे पढ़ने में। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। चलते अब देखिए बच्चों, जो हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड, जो अभी हमने रिलेशन सीखा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, कॉस्ट प्राइस और MRP का, उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2,270 मैन अलाउज 10% डिस्काउंट एंड गेट 20% प्रॉफिट। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट, व्हाट शुड बी द प्रॉफिट परसेंट? किसी वस्तु को एक व्यक्ति 10% छूट देकर 2,270 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, यदि छूट 0% हो तो लाभ क्या? अब देखो सुनो, पहली बात तो प्रतिशत पूछा तो इस चीज़ का हम यूज ही नहीं करेंगे, इसके बिना ही हमारा सवाल हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। मैं पहले बता चुका हूँ लाभ आने में, जब भी प्रतिशत पूछा जाता तो बिना उसके काम हो जाएगा। मैंने क्या रिलेशन बताया आपको? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का, MRP के बीच का क्या रिलेशन बताया है आपको? मैंने रिलेशन बताया है ये होता है 100 माइनस छूट प्रतिशत, अभी भी पढ़ा ना हमने, और ये होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत, हाँ है ना? ये होता है 100 माइनस छूट प्रतिशत, और ये होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत। और छूट कितने की है पहले? 10% की, तो 100 माइनस 10%, 10% की ना 10% डिस्काउंट, और कितने का लाभ? 20 का, तो 100 प्लस 20, तो ये हो गया 90 और ये हो गया 120। इतना क्लियर हो गया? अभी तक कुछ भी नहीं किया, खाली फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, क्योंकि क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस बनता है वो बनता है 100 माइनस छूट प्रतिशत, और अंकित मूल्य बनता है वो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बनता है,
प्रॉफिट परसेंट जो, तो 100 माइनस 10 कितना हो गया 90, 100 प्लस 20 हो गया 120 हो गया। अब ये बात करें हमने कब की, जब उसने 10% डिस्काउंट देकर के 20% प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब अगली बार क्या बोल रहे हैं, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट शुड बी द प्रॉफिट परसेंट। यदि छूट 0% हो, छूट 0% होने का मतलब क्या है, मैं आपसे कहूँ आप मेरे से कोई सामान लेने आए, मैं दुकानदार हूँ, मैं बोलूँ आप मुझे भैया एक चीज़ कितने की है, तो उस पर कोई भी MRP लिखा, मैंने बोला कोई भी डिस्काउंट नहीं है, तो कोई भी डिस्काउंट नहीं है इसका मतलब अंकित मूल्य ही क्या बन गया, विक्रय मूल्य बन गया, अंकित मूल्य ही क्या बन गया, विक्रय मूल्य। भाई कोई चीज़ पर अगर 500 रुपये MRP लिखा है और आपने पूछा भैया कितने का डिस्काउंट है, मैंने बोला कोई डिस्काउंट नहीं है, तो कोई डिस्काउंट नहीं इसका मतलब वो 500 रुपये ही क्या बन गया, वो 500 रुपये ही आपका सेलिंग प्राइस बन गया, मतलब वो 500 रुपये ही देने पड़ेंगे आपको मुझे। तो MRP इसके बराबर हो जाएगा, आपके सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा, कब, जब आपका कोई भी डिस्काउंट ना हो, कोई भी छूट प्रतिशत ना हो। तो इसका मतलब अगली बार के लिए 120 ही आपका क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अगली बार के लिए आपका सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 120 ही बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि अगली बार कोई छूट नहीं है, छूट दे दो तो अगली बार के लिए अंकित मूल्य ही किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर 120, और खरीदा कितने में है 90 में, खरीद तो 90 में ही रहे, 120 में बेच रहे हो तो कितने का लाभ कमा रहे हो, 30 का लाभ कमा रहे हो, हाँ या ना, 30 का लाभ कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, और 30 का लाभ किस पर, 90 पर, तो 30/90 × 100, और ये 0/3 और ये हो गया 1/3, और 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%। यस और नो, आसान हो गया कि नहीं हो गया, फिर से देख लीजिए एक बार, मैं फिर से बताता हूँ, देखो कोई इस नंबर का यूज नहीं हुआ, कोई तरीका हमें कोई तगड़ा नहीं लगाना पड़ा, आराम से सबसे पहले हमने रिलेशनशिप का कॉस्ट प्राइस और MRP के बीच, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच, ये होता है 100 माइनस 0% और ये होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो 100 माइनस 10 कितना हो गया 90 हो गया, और 100 प्लस 20 कितना हो गया 120 हो गया। तो यहाँ से आपका क्रय मूल्य 90 बन गया और अंकित मूल्य 120 बन गया। और अगली बार कोई छूट नहीं है, तो अगली बार अगर कोई छूट नहीं है इसका मतलब आपका अंकित मूल्य, आपका MRP ही आपका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बनेगा। तो आपका MRP कितना, आपका सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 120, खुद सोच सकते हैं आप इस चीज़ को, तो 120 आपका सेलिंग प्राइस बन गया। 90 में आप खरीद रहे थे तो कितने का प्रॉफिट हमारे 30 का, और 30 का प्रॉफिट किस पर 90 पर, तो कितना हो गया 33 सही 1/3%। समझ में आया कि नहीं आया, आसान हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए बच्चों, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, बस खाली ये मानो नंबर ही चेंज हुआ और कुछ नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 25,600 मैन 25,600 मैन अलाउस 8% डिस्काउंट एंड गेट्स 19.6% प्रॉफिट। द आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट, व्हाट शुड बी द प्रॉफिट परसेंट। किसी वस्तु को एक व्यक्ति 8% की छूट देकर 25,600 में बेचता है और 19.6% का लाभ कमाता है, यदि छूट 0% हो तो लाभ प्रतिशत क्या। सुनो वही एकदम वैसा ही सवाल, सब कुछ वैसा ही है, वही बात है। तो पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रय मूल्य और यहाँ पर लिखूंगा मैं अंकित मूल्य। तो इसको क्या लिखते हैं, ये क्या होता है आपका 100 माइनस छूट प्रतिशत और ये होता है आपका 100 प्लस लाभ प्रतिशत, हाँ या ना, ये बनता है आपका 100 माइनस छूट प्रतिशत। और छूट प्रतिशत कितनी है, छूट कितनी है पहले 8% की, और लाभ कितने का कमा रहे हो 19.6, तो प्लस 19.6 तो ये हो जाएगा 92 और ये हो जाएगा 119.6, हाँ या ना, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो 100 माइनस छूट प्रतिशत और 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो 92 की चीज कितने में बेच रहे हो 119.6 में, मतलब अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य 119.6। और अगली बार 0% डिस्काउंट, 0% डिस्काउंट का मतलब अभी अभी हमने सीखा, 0% डिस्काउंट का मतलब कोई भी डिस्काउंट नहीं है, कोई भी डिस्काउंट नहीं है तो आपका MRP ही क्या बन जाएगा, आपका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बन जाएगा, आपका अंकित मूल्य ही आपका विक्रय मूल्य बन जाएगा अगर कोई भी छूट नहीं है। तो 119.6 ही आपका क्या बन गया, आपका विक्रय मूल्य बन गया। तो 92 की चीज़ खरीदी है और 119.6 में बेच रहे हो, तो कितने का आपने लाभ कमाया, इसमें से घटा देंगे ना, समझ बेटा विक्रय मूल्य, तो 19.6 प्लस 8 कितना हो गया 27.6 का लाभ हो गया, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं। और लाभ किस पर होता है, विक्रय मूल्य पर, 92 पर, तो 27.6/92×100, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट नीचे आएगा, 0 आ जाएगा, और ये किससे कट जाएगा नंबर 92, ये 0 0 तो इससे कट गया और 92 से 3 बार कट जाएगा, है ना, हाँ बिल्कुल 3 बार कट जाएगा, 20% आ गया, आंसर आ गया।
कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया, हो गया क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए क्या किया, पोस्ट प्राइस था और एमआरपी था, मैंने बताया था इसीलिए सबसे पहले हमने रिलेशन पढ़ लिया, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। पोस्ट प्राइस और एमआरपी का रिलेशन हमने बताया, 100 माइनस छूट प्रतिशत और 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो 100 माइनस 8% और 100 प्लस 19.6%, तो 92 से 119.6 हुआ, तो 119.6 हो गया एमआरपी आपका। और अगली बार कोई भी छूट नहीं है तो एमआरपी ही क्या बनेगा आपका सेलिंग प्राइस, 119.6 ही आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो ये 92 में खरीदा, 119.6 में बेचा, तो कितने में आप का फायदा हमारे 27.6, 27.6 का फायदा किस पर, 92 पर, तो 27.6 बटा 92 गुणा 100 आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, एक वैसे ही क्वेश्चन, बस एक छोटा सा चेंज कर दिया है। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 27,700 में अनाउंस 10% डिस्काउंट एंड 30% प्रॉफिट, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट व्हाट शुड बी द प्रॉफिट परसेंट। तो बस एक चीज किया कि डिस्काउंट 5% कर दिया। देखिए पढ़े थे हिंदी में, किसी वस्तु का एक व्यक्ति 10% छूट देकर 27,700 में बेचता है और 30% लाभ कमाता है, यदि छूट प्रतिशत 5% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बच्चे पिछले सवालों में, इस सवाल में बस इतना सा ही अंतर है कि इस बार आपका ये जो छूट है ये क्या कर दी गई है, 5% दे दी गई है और कोई अंतर नहीं। तो पहले लिख लेते हैं अपन कॉस्ट प्राइस यहाँ पर और यहाँ पर अंतिम मूल्य, ऐसे लिखा जाएगा। और ये क्या होता है आपका 100 माइनस छूट प्रतिशत, और ये होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत आपका, है ना। और 100 माइनस छूट कितने की, 10 की, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90, और फायदा कितने का 30% का, तो 100 प्लस 30 कितना 130, इसका तो कोई यूज हमारे आ ही नहीं था, 130 हो गया। अब पहले सवालों में क्या करता था, कहता था कि छूट 0% है, तो छूट 0% होती थी तो आपका अंकित मूल्य ही आपका क्या बन जाता था, विक्रय मूल्य बन जाता था आपका। लेकिन इस बार छूट 5% है, 0 नहीं है, तो 5% है डिस्काउंट, 5% है डिस्काउंट, 5%, तो डिस्काउंट किस पर होता है बच्चों, एमआरपी पर। डिस्काउंट किस पर होता है, एमआरपी पर। तो ये 5% का डिस्काउंट किस पर, 130 पर, तो 130 का 5% निकाल लो, 130 का 5% निकाल लो, कितने रुपए आ गया, 6.5 रुपए का डिस्काउंट आ गया। हाँ या ना, ये सुनो भाई, अगली बार कह रहे हैं पहले आपने उसके मतलब छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रिलेशन निकाल लिया। अब अगली बार छूट, पहले क्वेश्चन में कह रहा था 0%, तो आपका अंकित मूल्य ही आपका विक्रय मूल्य बन जा रहा था, मतलब एमआरपी आपका सेलिंग प्राइस बन जा रहा था। लेकिन इस बार छूट 5% है, तो 5% की छूट कर दो, तो 6.5 रुपए की छूट, 6.5 रुपए की छूट किसमें से, 130 में से, 130 में से 6.5 घटा दो तो कितना बचेगा, 123.5। और ये आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। भाई अंकित मूल्य में से अगर मैं छूट निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, मेरा विक्रय मूल्य बचेगा ना, विक्रय मूल्य बचेगा, ये हम पढ़ चुके हैं चीज, हम आओ पता भी 130 में से 6.5 की छूट दे दी तो कितने का बेचा, 123.5। और अब ये आपका विक्रय मूल्य निकल के आया। पहले और इस सवाल में क्या अंतर था, बस यही था, पहले छूट 0% दे रहा था कंडीशन में, इस बार छूट 0% नहीं। और अब देखो 90 की चीज खरीदी और 123.5 की बेची, तो कितने का फायदा कमाया, 23.5 का, इसमें से इसको घटा रहे और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो लाभ कितने का हो रहा है, 23.5 का लाभ हो रहा है। हाँ या ना, यस और नो बच्चों। और लाभ किस पर होता है, क्रेडिट पर, तो 23.5 बटे 90 गुणा 100। हाँ या ना, और लाभ ये भी पॉइंट नीचे आएगा तो ये 0 कट जाएगा और ये क्या हो गया, 9 दिए 27 और फिर कितना, 9 7 63 और 2/9% ये आ गया 37 से ही 2/9% आपका फायदा आ गया। तो अगर पोस्ट प्राइस और एमआरपी का ये रिलेशन जो हमने सबसे पहले सीखा ये आपको आता है तो आप बहुत इजीली इस तरीके के क्वेश्चंस बना जाएंगे। कुछ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं पूरे पूरे। तो देखिए क्वेश्चन क्या करें, ट्रेडमैन गिव 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड गिव वन आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 15 आर्टिकल एंड दस गेन 35%, फाइंड बाई हाउ मच परसेंट एमआरपी इज अबव कॉस्ट प्राइस। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है, बावजूद इसके 35% का लाभ कमा लेता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो वही बात, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच की बात हो रही है, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के बीच की बात हो रही है। तो मैं रिलेशन सबसे पहले लिखता हूँ, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर यहाँ पर एमआरपी आता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपको बताया मैंने, 100 माइनस छूट प्रतिशत होता है, और ये अंकित मूल्य क्या होता है आपका, 100 प्लस लाभ प्रतिशत होता है। छूट कितने प्रतिशत की,
छूट कितने प्रतिशत की? 4% की। तो 100 माइनस 4 और लाभ कितने प्रतिशत का? 35% का। 100 प्लस 35 तो ये बन गया 96 और ये बन गया 135। पहले बताओ इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? 4% का डिस्काउंट और 35% आपको फायदा होगा। तो आपने किया, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट चल रहा है। क्या कह रहा है उसके साथ साथ क्या कह रहा है कि बाइंग एवरी 15 आर्टिकल ही गिव्स 1 आर्टिकल फ्री। 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। तो इस बात का ख्याल हो रखा है, ध्यान से सुनना। यहां तक तो क्लियर है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आपका आ गया, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी आ गया। लेकिन ये कंप्लीट सही कॉस्ट प्राइस और एमआरपी नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये क्रय मूल्य किसका? क्रय मूल्य दुकानदार, दुकानदार का ना। और ये अंकित मूल्य किसका है? दुकानदार का। तो दुकानदार जब खरीदा होगा, जब खरीदने गया होगा, तब उसे तो कोई ऑफर नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा नहीं लिखा है। तो वो आपको 15 पे एक फ्री दे रहा है, लेकिन 15 पे एक फ्री आपको दे रहा है, लेकिन उसने तो पैसा 16 का दिया होगा ना भाई, जब वो खरीदने गया होगा। ये कॉस्ट प्राइस किसका है? कॉस्ट प्राइस किसका है? शॉपकीपर का, उस ट्रेड्समैन का। और ये एमआरपी किसका है? उस शॉपकीपर ने जो डिसाइड किया, दुकानदार ने जो डिसाइड किया। और दुकानदार 15 पे एक फ्री दे रहा है, तो कस्टमर को 15 के पैसे देने। लेकिन जब वो शॉपकीपर खुद लेने गया था जहां से, उसने तो पैसे कितने के दिए होंगे? 16 के दिए होंगे ना, हाँ या ना? तो ये 96 कितने के दिए हैं? 16 के पैसे। कितने के पैसे हैं? 16 के। 16 के क्यों? क्योंकि वो 15 पर, ये उसके पास ऑफर नहीं था, ये ऑफर वो दे रहा है, तो उसने तो 16 के ही पैसे दिए। और जब वो बेच रहा है, तब वो क्या कह रहा है? 15 पर एक फ्री। तो 15 पर एक फ्री, इसका मतलब ये 135 16 का दाम नहीं है। कितना का दाम है? 15 का दाम है ना, क्योंकि वो आपसे क्या कह रहा है? भैया मैं आपको एक क्या दे रहा हूँ? मुफ्त दे रहा हूँ। तो 135 रुपये आप किसके हिसाब से देके आएंगे? अगर देके आएंगे तो 15 के हिसाब से तो देके आएंगे आप, तो इसका मतलब ये भी भाई इसे कर देंगे 15 से कर देंगे, हाँ या ना? बस यही एक इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। मैंने क्या बोला, 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। तो 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देने का मतलब यही हुआ बच्चों कि कॉस्ट प्राइस और एमआरपी बना। कॉस्ट प्राइस किसका? शॉपकीपर का। एमआरपी किसका? शॉपकीपर का। तो जब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य शॉपकीपर का है, तो शॉपकीपर ने उसको 96 रुपये दिए, तो 96 रुपये शॉपकीपर ने कितनी वस्तुओं के दिए होंगे? 15 के नहीं, कितने के? 16 के, क्योंकि उससे मुफ्त नहीं मिल रहा है। और जब बेच रहा है, तो एमआरपी उसने अंकित मूल्य कितने का डिसाइड निश्चित किया? ये 15 का, क्योंकि एक तो वो क्या दे रहा है? मुफ्त दे रहा है। बस यही सीखने वाली बात है इसमें। अब इसको काटा कटी करोगे तो 6 बार कट जाएगा, 16 6 96 होता है ना, और ये कितनी बार कट जाएगा? 9 बार कट जाएगा। तो क्या अनुपात आ गया? 6:9 आ गया। तो आप यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, क्रय मूल्य 6, ये आपका क्रय मूल्य 6, तो अंकित मूल्य कितना? 9 आ गया आपका। और इसको छोटा कर सकते हैं तो ये 2:3 हो जाएगा, हाँ या ना? 2:3 हो गया। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ गया। अब पूछे भाई हाउ मच परसेंट एमआरपी इज अबव कॉस्ट प्राइस, तो कितना ऊपर है? तो कितना ऊपर है? कितना ऊपर है? एक ऊपर है। अंकित मूल्य एक ऊपर है ना क्रय मूल्य से, तो एक इस पर क्रय मूल्य पर था, क्रय मूल्य पर देखना, तो 2/1/2×100, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा आपका? 50% हो जाएगा। यस और क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी में बस इतनी सी बात थी, बाकी तो आपको कॉस्ट प्राइस और एमआरपी आपने डिस्काउंट और वो लिख दिया। बस इसमें एक कहानी नहीं थी कि 15 आर्टिकल खरीदने पे एक मुफ्त देता है। तो आप जब कॉस्ट प्राइस ले रहे हो उस दुकानदार का, तो दुकानदार को तो वो फ्री नहीं मिला हुआ, तो दुकानदार ने तो 96 रुपये कितने के दिए होंगे? 16 के दिए होंगे। लेकिन कस्टमर से वो 135 रुपये अगर अंकित मूल्य उसने डिसाइड किया, तो वो सिर्फ कितने का किया है? 15 का ही, क्योंकि एक तो क्या दे रहा है? वो फ्री दे रहा है। बस यही समझने वाली बात थी, और बहुत ही आसानी से हमारा क्वेश्चन हल हो गया। आंसर आगे एक ऐसा क्वेश्चन और देखिए स्टूडेंट्स, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, खाली नंबर चेंज किए मैंने और कुछ नहीं किया। देखो क्या कह रहे हैं, ट्रेड्समैन गिव 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड गिव 3 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 5 आर्टिकल एंड गेंस प्लस गेंस 25% बाय हाउ मच परसेंट एमआरपी इज अबव कॉस्ट प्राइस। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है, बावजूद इसके 25% का लाभ आता, तो विक्रय अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? वैसा ही सवाल है, एकदम वैसा ही सवाल है। तो देखिए क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर एमआरपी, ये क्या होता है आपका 100 माइनस छूट प्रतिशत, बार बार लिखते लिखते अब याद भी हो गया होगा आपको, 100 प्लस 10%। तो कितने का छूट? 20 की। तो 100 माइनस 20 कितना? 80। और फायदा कितने का? 25%, तो 100 प्लस 25 कितना? 125। इतना क्लियर हो रहा है?
आया ना, 100 माइनस से डायरेक्टली 100 माइनस 20 80 और 100 प्लस 25 125 ये हो गया। और अब वो खेल आता है, मैंने बोला जो फ्री देता है ना वो वाले पर, पांच वस्तुएं खरीदने पर तीन वस्तुएं मुफ्त, पांच वस्तुएं खरीदने पर तीन वस्तुएं मुफ्त। तो जब ये दुकानदार का क्रय मूल्य और ये दुकानदार का अंकित मूल्य, वही बात है जो पिछले क्वेश्चन में थी, दुकानदार का क्रय मूल्य दुकानदार का अंकित मूल्य। तो दुकानदार जब खरीदने गया होगा तो उसके पास तो कोई ऑफर नहीं होगा, होगा तो उसने तो पांच और तीन कितने खरीदे होंगे, आठ। तो ये 80 रुपए कितने का है, आठ। हाँ यार, लेकिन जो वो बेच रहा है तब उसने अंकित मूल्य 125 डिसाइड किया है, तो अंकित मूल्य 125 तो कितने का होगा, पांच का ही होगा ना, क्योंकि तीन तो वो क्या कह रहा है भैया मुफ्त में ले जाओ, तो इसका 125 कितने का, पांच का। एकदम वैसे ही कंडीशन है बेटा पहले वाली। तो ये कितनी बार कटेगा आपका, 10 बार, और ये कितनी बार कटेगा आपका, 25 बार। तो 10:25 इधर लिखता हूँ मैं, तो 10:25 आ गया, इसको छोटा करेंगे तो 2:1 कितना आ गया, 5 आ गया। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आया ना, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अब क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है, तीन, कितना प्रतिशत अधिक है ये बोल रहा है, तो 3/2 × 100, तो ये 50, तो ये कितना प्रतिशत हो गया, 150%। कितना प्रतिशत अधिक है, 150%, क्योंकि इसमें से ये पूछा कि क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वही सवाल है, 100 - 100%, 100 + 100%, तो 80 हो गया और ये 125 हो गया, 80/8 और 125/5, 10:25, 2:5, 150%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन ये मैंने आप लोगों के लिए दिया है, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, खाली नंबर चेंज करके दिया है, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्योंकि बच्चे उससे पता लगता रहता है कि आप लोग कितना मेरी बात पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो प्लीज़ यू वांट पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, ट्रेड्समैन गिव 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड गिव 4 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 12 आर्टिकल्स एंड 10 गेन 20% बाय फाइंड हाउ मच परसेंट MRP इज अबव कॉस्ट प्राइस। एक व्यापारी अंतिम मूल्य पर 20% की छूट देता है और 12 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त देता है, बावजूद इसके 20% का लाभ कमाता है, तो अंतिम मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। वही बात है, 20% की छूट देता है, 20% का लाभ कमाता है, और साथ में 12 खरीदने पर कितने फ्री दे रहा है, 4 फ्री दे रहा है। एकदम सेम क्वेश्चन है, वही बच्चे कॉस्ट प्राइस और MRP का रिलेशन बनाइए और आपका आंसर आ जाएगा, एकदम वैसा ही है। कॉस्ट प्राइस 100 - डिस्काउंट% 100+ प्रॉफिट% आप बनाएंगे, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ ये क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और MRP अंकित मूल्य के बीच का आपको संबंध समझ में आया होगा, कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ ये आगे बच्चों तक शेयर जरूर करिए।